आपका बहुत स्वागत है मीडिया के सामने हो गए प्यार टिकटॉक वाली से। फिल्म के लिए आपको बहुत ज्यादा बधाई। निरोध सर आप बहुत हंस रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि तीन सुंदरियों के बीच बैठकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला और अपनी शुभकामना देने के लिए आप सब उपस्थित है यहाँ पे। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि हम लोग जब से ये टाइटल लेके शुरुआत की है तो कोई पकड़ नहीं पा रहा था कि कहानी क्या होगी। आज रानी जी जैसे आए इन्होंने तुरंत बता दिया, कहानी ही खोल दिया इन्होंने। कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो एक बनाते बनाते और प्यार हो गया। मैंने बोला एकदम सही पकड़ा। तो वही मैं हंस रहा था कि रानी जी ने कहानी का जो मेन है वो पकड़ लिया इन्होंने। अब ये फिल्म बन रही है हो गिल बा प्यार टिकटॉक वाली से। इस फिल्म में हमारे दर्शकों को ये देखने के लिए मिलेगा, जो आज लोग इतना ज़्यादा टिकटॉक पे एक्टिव हैं, अगर किसी टिकटॉक वाली लड़की से किसी को प्यार हो जाए तो ना तो उसका पता होता है, ना उसका कोई फ़ोन नंबर होता है, ना कोई मतलब कुछ ऐसा क्लू नहीं है कि आप उस तक पहुंच पाएँ। ऐसे में वो लड़का कैसे अपने प्यार को पाता है, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी बनाई है हमारे इश्तियाक शेख बंटी जी ने, जो कि कहाँ है, जो कि यही है। और मुझे लगता है कि दर्शकों को एक नया कॉन्सेप्ट और एक नई फिल्म देखने को मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। आम्रपाली जी आपसे ये सवाल है कि आपने निरोवा सर के साथ काफ़ी टिकटॉक बनाया, प्रैक्टिस पहले से ही हो गई है, इस फिल्म में आप इनके साथ काम कर रही हैं, मुश्किल होगा? डुएट बनाने में तो मुश्किल नहीं होगा हमको, बाकी इनके एक्टिंग के लेवल को मैच करने में थोड़ी मुश्किल होती है। अपना 100% से भी ऊपर परफॉर्मेंस देना पड़ता है, क्योंकि दिनेश जी एक बहुत ही सिंसियर एक्टर हैं, तो उनके साथ थोड़ा कोप अप करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। क्या लगता है आपको टिकटॉक पर फिल्म बनाना कितना ज़रूरी है आज के समय में? ज़रूरी आई थिंक, देखिए जो चल रहा है उसी चीज़ उसी रास्ते पर हमको भी चलना चाहिए, बिकॉज हम सब जानते हैं चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट। और आज की तारीख में जो क्रेज़ टिकटॉक का है और जो लोकप्रियता टिकटॉक की है, तो वो लोकप्रियता अगर हम भी मेंटेन करना चाहते हैं तो हमको इस तरह से ढलना ही पड़ेगा। एंड एकदम ऐप स्टोरी जब हमको मिली तो हमको लगा इस स्टोरी के ऊपर तो यही टाइटल बहुत ही अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो फॉर दिस वन। आप भी काफ़ी टिकटॉक बनाते हैं, हमारी इंडस्ट्री की इकलौती वेरीफाइड है टिकटॉक पर रानी जी। काफ़ी लेटी का कमाल है। जैसे आपने कहा कि मैं काफ़ी टिकटॉक बनाती हूँ, मैं फ़ैन हूँ, मतलब मेरे लिए टाइम पास का सबसे अच्छा ज़रिया है टिकटॉक। और इसी तरह हमारी इंडिया में बहुत सारे लोगों का एक ज़रिया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है आज की डेट में। और ये टाइटल में जब टिकटॉक आ गया तो समझिए कि अपने आप ये पॉपुलर हो गया, किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टाइटल को, और सब लोग रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। ऐसे कई यूथ होंगे जो टिकटॉक पे सब लड़कियों को फॉलो करते होंगे, प्यार करते होंगे, कई बार मैसेज करते होंगे, कमेंट्स करते होंगे, मगर रिप्लाई नहीं जाता होगा, दुखी हो जाते होंगे। तो सभी जो यूथ है ना वो रिलेट कर पाएगा इस सब्जेक्ट से, जहाँ तक मुझे लगता है। और दिनेश जी अगर आम्रपाली के फैन बनेंगे फिल्म में तो समझ लीजिए। अंचल जी आपसे सवाल होगा लेकिन उससे पहले रानी जी बस ये बता दें, आपको आंकड़े पता है आपने आज तक कितने टिकटॉक बनाए? फिल्म डेडिकेटेड इधर ही होना चाहिए। अंचल जी ये बताएं कि इस फिल्म को करना है आपको, ये ख्याल कैसे आया और आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ओवरवेलमिंग है, मेरी फर्स्ट फिल्म है और थैंक यू आप लोग सब लोग आए यहाँ पे इसके लिए। ये फिल्म की स्टोरी बहुत, जैसे सब बता रहे थे, आज की स्टोरी एकदम प्रॉम्प्ट है और अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया ये स्टोरी, तो ये बहुत बड़ा शोकेसिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें। तो अगर हम सिर्फ टिकटॉक के नाम से भी एसोसिएटेड रहेंगे तो भी हमें पता है कि हमें कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये करने मिल रहा है और मेरी शुरुआत इससे हो रही है, तो कोई सेकंड थॉट आया ही नहीं। सवाल एक और भी है कि इस फिल्म के लिए आखिर आपने निरोवा जी और आम्रपाली को ही चयन इनका क्यों किया? ओके ऑनेस्टली मैंने इनका चयन नहीं किया, इन्होंने सीरियसली होम प्रोडक्शन में फिल्म बनाने की बहुत टाइम से हमारी बात चल रही थी, काफ़ी आई थिंक अब साल हो गए हमारा एक दूसरे के साथ बात करते हुए।
एंड देन दे डिसाइडेड कि ये स्क्रिप्ट आई और उन्होंने मुझे सुनाया एंड दे आस्क्ड कि अगर हम साथ में करें सॉरी आई थिंक दिनेश सर आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि एक लड़का बहुत मुश्किल से ढूंढ पाता है अपनी टिकटॉक गर्ल को जी रियलिटी क्या है आपने कभी किसी लड़की जो कोई आपको बहुत पसंद आई हो और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज देखिए टिकटॉक पे तो नहीं पर टिकटॉक तो अभी आया है बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तब से मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं जब स्कूल जाता था तो स्कूल से निकलने के बाद हमारे स्कूल के बाहर एक दुकान थी और उस पर सारी हीरोइनों के फ़ोटो बिकते और वो फ़ोटो मैं ख़रीद लेता था फ़ोटो ख़रीद के और अपने घर में लगाता था तो मैं ढूंढ तो रहा हूँ बचपन से कौन है वो करिश्मा नहीं सबसे ज़्यादा हाँ फोटो करिश्मा हाँ करिश्मा कपूर जी का फ़ोटो मेरे घर के दीवार के हर एक इंच पे लगा रहता था तो मैं इतना बड़ा फिल्मची आदमी हूँ इतना बड़ा दीवाना आदमी हूँ और अभी तक तो उनको ढूंढ नहीं पाया पर अभी यहाँ पहुँच गया हूँ मुंबई तो किसी न किसी दिन तो ढूंढ ही लूँगा सर मीडिया आपके सामने मौका भी है दस्तूर भी है आप सुपरस्टार भी हैं करिश्मा जी से अब अगर कुछ कहना चाह रहे हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उनकी अदायगी का इतना बड़ा दीवाना हूँ कि मैंने उनकी सारी फिल्में थिएटर में फर्स्ट शो देखा कोई भी उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो मैं स्कूल छोड़ के भाग जाता था और फर्स्ट शो देखता था तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनको कभी सामने से ऐसा मिल पाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अमरपाली जी आपसे सवाल ये है कि टिकटॉक आप काफ़ी बना रही हैं आपकी भी दीवानगी किसी से जुड़ी हुई है कोई अगर शेयर करना चाहें किस्सा अभी मैंने एक टिकटॉक देखा था और किसी लड़की ने बताया था मुझे अभी नई प्रोफाइल का नाम नहीं आता रहा तो मेहरारू तो हमरा अमरपाली दुबे नियल चाह ना तो हम बिया ना करब तो उसकी मॉम भी बैठी थी वीडियो में साथ में और एक टपली मारती है बोलती मुँह देखा है अपना अमरपाली दुबे चाहिए तो उसके साथ मैंने डुएट किया मुझे वो एक्सेंट और वो वीडियो इतना अच्छा लगा तो ऐसे कुछ कुछ लोग इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं कि वो देख के लगता है कि यार इसके साथ हमको डुएट करना चाहिए या फिर हमारे किसी गाने पर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर देते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हमको लगता है कि हमको डुएट करना पड़ेगा बनाते ही जैसे अभी एक एक लड़की थी मुझे उनका भी नहीं याद आ रहा था जो प्रोफाइल नेम है उन्होंने दिनेश जी के गाने पे तेल गम कौवा पे इतना अच्छा वीडियो बनाया था खुशी क्यों करना पड़ा उनको डुएट करना ही पड़ा तो हम इतना अच्छा लोग उस पर परफॉर्म करते कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हमको करना ही पड़ता है डुएट रानी जी आपसे सवाल ये है कि टिकटॉक आप बना रहे हैं उसके साइड इफेक्ट भी आपको ऐसा लगता है नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं मुझे लगता है कि अगर आप लोग टिकटॉक फॉलो करते होंगे तो घर की औरतें भी बहुत जुड़ी हुई हैं टिकटॉक से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस को भगाने का एक बहुत अच्छा जरिया है टिकटॉक जब भी मैं भी थकी होती हूँ या मैं बोर हो रही होती हूँ तो टिकटॉक देखती हूँ घंटों बीत जाते हैं उस पर हंसते हंसते इतनी अच्छा डेटा भी खत्म हो जाता है डेटा भी खत्म हो जाता है बुराई नहीं है इसमें और एक से क्रिएटिव लोग होते हैं यू नो जब पहले था फिल्म स्टार सिंगिंग स्टार डांसर अभी टिकटॉक इतना फैला हुआ है कि अब टिकटॉक स्टार भी रह गए और उनकी उनकी पहचान मतलब उनका क्रेज हम लोग से भी बहुत ज्यादा है यस बिल्कुल अभी जैसे मेरा एक गाना आ रहा है सोनी पे सॉरी कर तो आज ही मुझे सोनी से फ़ोन आया कि हम लोग चाहते हैं कि एक दिन आप दीजिए ये जो टिकटॉक वाले स्टार हैं इनके साथ में हम एक वीडियो करेंगे प्रमोशन करेंगे तो इससे आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक का क्या क्रिएट है बंटी जी जैसे आपने कहा कि टिकटॉक स्टार है जो आज बहुत फेमस है तो क्या इस फिल्म में उनको मौका दिया जाएगा स्पेशल कैमियो कहीं ना कहीं टिकटॉक के हम लोग भी दोनों स्टार ही हैं चाहे मैं या अमरपाली जी आप हम दोनों को अपने रानी चटर्जी जी को आप एक्टिंग देख सकते हैं हम लोग भी टिकटॉक पे स्टार हैं तो निश्चित रूप से वेरीफाइड अकाउंट रानी जी का वेरीफाइड अकाउंट भी है और हमारे जो बंटी सर हैं इन्होंने एक स्टोरी लिख के रखा भी है आम्रपाली जी रानी जी और मेरे लिए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस फिल्म के बाद हम उसकी भी शुरुआत करें मैं एक बात कहना चाहूँगी मेरी एक फिल्म शुरू हो रही है अभी तो एक पॉपुलर क्रिएटर है टिकटॉक पे उसको हम मौका दे रहे हैं अपनी फिल्म में अरे वाह मैं भी एक फिल्म करने जा रही हूँ जिसमें एक पॉपुलर क्रिएटर है तो मौका के साथ काम कर रही हूँ और इसमें भी हम लोगों की प्लानिंग आगे यही है कि हम टिकटॉक के साथ कोलैब करें और आगे देखें
पंडित जी स्वागत है आपका मीडिया में। पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने इस फिल्म को लिखा है, क्या जहन में चल रहा था आपके? सर मैंने जब ये सब्जेक्ट लिखा तो क्योंकि उससे पहले बहुत फिल्मों में एज एन एसोसिएट जुड़ा हुआ था, फिल्म डायरेक्ट भी जुड़ की थी, तो मैं काफ़ी टाइम में हम लोग का डिस्कशन होता था मेरा और आम्रपाली जी का, और हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम लोगों को ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जो रूटीन नहीं हो, और उन्होंने मैं दो तीन बार बोला कि ऐसा कोई सब्जेक्ट रेडी होता है तो मुझे सुना दीजिए, मुझे सुना दीजिए। और जब मेरे पास टिकटॉक वाली लाइन जब रेडी हुई थी, जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने इनफैक्ट जब दिनेश जी को लाइन सुनाया तो दिनेश जी जगह पर थे भी नहीं, दिनेश जी को हमने फ़ोन पर लाइन सुनाई, और दिनेश जी ने जब फ़ोन पर लाइन सुना तो मुझे इंस्टेंटली बोला भाई ये मैं कर रहा हूँ और इसकी पूरी तैयारी कीजिए, और इस तरह से सर सब्जेक्ट पूरा रेडी हुआ। और इसमें मैं बोलूँगा ना कि हम लोग ने वो जो पैटर्न था ना उसको हटके एक डिफरेंट जोनर की फिल्म बनाने का ट्राई कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि लोगों को पसंद आएगी, और लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इस टाइप का सिनेमा जो है वो हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है, सिर्फ हम परोस नहीं रहते, हमने प्रयास शुरू कर दिया है, और यही नहीं उसके अलावा भी जो फिल्में हम प्लान कर रहे हैं अभी उसी जोन में जाके सोचने की कोशिश। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने दिनेश जी की कई फिल्में देखी हैं, अपने कैरेक्टर अपने रोल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ये देखना एक्साइटेड होगा कि टिकटॉक के कौन से कैरेक्टर को वो यूज़ करेंगे इस फिल्म में और कैसे करेंगे, ये बहुत एक्साइटेड होने वाला है।